हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सेल के बेसिस। अगर आप बिगनर हैं तो आप एक्सेल कैसे यूज़ करेंगे, उसमें टोटल कैसे करेंगे, जो डिफरेंट आपका डाटा रहेगा उसकी एवरेज, देन जो बेसिक से फॉर्मूले होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बिगनर्स के लिए हैं जो एक्सेल स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ आपको बताऊंगा, जिससे आपको एक्सेल के बारे में एक बेसिक नॉलेज क्लेरिफाई हो जाएगी। तो एक्सेल ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड से विंडो और आर की प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप फिल करेंगे एक्सेल और एंटर कर दीजिए, और आपके सामने ये जो एक्सेल है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये इसका इंटरफेस रहेगा, डिफरेंट आपके यहाँ टैब्स आएंगे। अगर आपने एमएस वर्ड किया है तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो हमारे हेडर्स हैं ए बी सी डी अप टू सॉन, इनको बोलते हैं हम कॉलम्स, और ये जो नीचे को है 1 2 3 4, इनको बोलते हैं रोज, और सिंगल ये जो बॉक्स है हम इनको बोलेंगे सेल। हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस है, जैसे देखिए इसका है बी और 3, इसका है डी और 8। अगर आपको सेल एड्रेसेस में प्रॉब्लम आती है, आप यहाँ देख सकते हैं नेम बॉक्स में आपका सेल एड्रेस शो कर रहा है बी का 4। जो भी आप सेल चूज़ करेंगे उसमें आपको नेम बॉक्स में उसका एड्रेस शो करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 शीट्स मिलती हैं एक्सेल में, और इसमें हम देखेंगे डाटा कैसे फीड करेंगे। तो हम चलिए पहले सिंपल से कोई नंबर ले लेते हैं। मैंने यहाँ कुछ नंबर्स लिए, अगर मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ तो आप इन सभी को सेलेक्ट करके नीचे तक इस ब्लैंक बॉक्स में ले आइए, अदरवाइज ब्लैंक बॉक्स को चूज़ कर लीजिए। यहाँ से आपको मिलेगा ऑटो सम, ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक देखिए आपका डाटा चूज़ हो जाएगा। आप एंटर कर दीजिए तो आपका जितना भी सम होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का बेनिफिट क्या है, अगर आप किसी भी फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक फॉर्मूले में अपडेट हो जाएगा। ये तो था सिंपल सा हमारा एडिशन। अब मैं एक आपको रिजल्ट बना के बताता हूँ कि आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ स्टूडेंट का नेम लिखा, क्लास लिखा, रोल नंबर लिखा, हमने उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स फिल किए, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस। चलिए हम 4 सब्जेक्ट्स फीड कर लेते हैं। यहाँ पर हम उसका कैलकुलेट करेंगे टोटल कि बच्चे ने टोटल, चलिए पहले यहाँ लिख लेते हैं टोटल मार्क्स कि बच्चे के टोटल मार्क्स कितने हैं, मतलब कितने में से मार्क्स आए। यहाँ हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज, और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट कि बच्चा पास है या फेल है। तो मैं कुछ डमी एंट्रीज ले लेता हूँ। यहाँ हमने कुछ एंट्रीज ले ली, कुछ भी नाम है आपके, ये मैं डमी एंट्रीज ले रहा हूँ। क्लास ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 10th है, अगर आपको सेम 10th चाहिए यहाँ से नीचे को ड्रैग करेंगे सेम आपकी 10th नीचे को आ जाएगी। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है आप पहला सेल चूज़ करेंगे इंक्लूडिंग फर्स्ट सेल, आप लास्ट सेल तक चूज़ कर लेंगे यहाँ तक आपको एंट्री चाहिए। नाउ यू कैन प्रेस कंट्रोल डी तो आपका डाटा नीचे को आ जाएगा। रोल नंबर चाहिए, यहाँ पर लिखे 1, यहाँ पर लिखे 2, दोनों को चूज़ करिए, और यहाँ से देखिए प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, इसको आप नीचे ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपकी जो सीरीज़ है रोल नंबर्स की वो आ जाएगी। कोई भी आपकी सीरीज़ आप उनको ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें मार्क्स फीड कर लीजिए जो भी आपके मार्क्स हैं। तो मैं इसमें सभी में सेम मार्क्स रख रहा हूँ, बाद में कुछ मैं इसमें अपडेशन कर लेता हूँ कुछ नंबर्स की। तो चलिए यहाँ कुछ अपडेशन कर लेते हैं। तो ये हमने कुछ मार्क्स फीड कर दिए। नाउ अब देखिए ये जो आपका टोटल है कितने में से है, 100 200 300 देन 400। तो मैंने 400 यहाँ टोटल रख लिया, इसको भी आप सेम चूज़ करेंगे लास्ट तक और कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए आपका सेम आ जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी करेक्टर वैल्यूज़ है वो आपकी, इनकी जो अलाइनमेंट होगी वो होगी लेफ्ट हैंड साइड, और नंबर्स है उसकी अलाइनमेंट होगी राइट हैंड साइड। इसको मैं थोड़ा सा एक प्रॉपर बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर देने के लिए सारे डाटे को चूज़ करिए, होम टैब में जाएंगे, यहाँ से आप चूज़ करेंगे ऑल बॉर्डर्स, इसको मैं यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर लेता हूँ, और हेडर को जो यहाँ पर हेडिंग्स दी है इनको मैं येलो कलर और बोल्ड कर देता हूँ, सो डैट मेरा डाटा थोड़ा अच्छा दिखाई दे। नाउ अब मुझे यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करने हैं मिंटू से कि जैसे ए स्टूडेंट है इसके सभी का टोटल कितना आएगा, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, जो आपका बिगनिंग एड्रेस है यहाँ से आपके मार्क्स शुरू होते हैं, और एंडिंग एड्रेस है यहाँ पर मार्क्स आपके एंड हो रहे हैं मिंटू से हिंदी से लेकर साइंस तक, इन सभी को सिलेक्ट करिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, आपका यहाँ पर टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो है आपका टोटल का फॉर्मूला, इसको नीचे को ड्रैग कर दीजिए तो आपके सारे टोटल आ जाएंगे।
परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, इक्वल टू लीजिए परसेंटेज का अगर नॉर्मली फॉर्मूला देखना चाहें तो होता है जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इनटू 100। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये हमारे मार्क्स हैं जो हमने ऑब्टेन किए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 400 इनटू 100। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर आपने सेल के एड्रेसेस देने हैं मैनुअली, आपने टेक्स्ट नहीं लिखना। अगर आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर टोटल आएगा वो मैनुअली टाइप करेंगे, जैसे 200 प्लस है यहाँ 400, तो आपका फॉर्मूला बाकी सेल्स में अपडेट नहीं होगा। तो इसलिए आपने सेल्स का एड्रेसेस देना है, सो डैट जब भी हम नीचे को ड्रैग करेंगे सेल का जो एड्रेसेस है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो उसको क्लिक कर दीजिए, एंटर कर दीजिए और नीचे को ड्रैग कर लीजिए, बाकी में ऑटोमेटिक आपका जो है परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट्स है वो इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, यहाँ से डेसिमल पॉइंट डिक्रीज होंगे और यहाँ से डेसिमल पॉइंट्स डिक्रीज होंगे, मीन टू से पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है। अब मुझे रिजल्ट कैलकुलेट करना है पास फेल। अब मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। देखिए, अब हमारा रिकॉर्ड कैलकुलेट हो गया, अब हम परसेंटेज के बाद रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे पास फेल, और यह सारा प्रोसेस होगा परसेंटेज के ऊपर। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें हम इफ कंडीशन लगाएंगे, लेकिन कोई भी फॉर्मूला बिगनिंग करने से पहले आप यूज़ करेंगे इक्वल टू साइन का। इक्वल टू इफ, अगर हमारा टोटल, सॉरी परसेंटेज, टोटल से ही परसेंट आया, परसेंटेज लीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू है 33। जो भी आपका क्रिटीरिया रहेगा पासिंग मार्क्स का वो आप ले लीजिए, हम यहाँ पर 33 लेकर चलते हैं, बिकॉज 33 वाला स्टूडेंट्स भी जो होते हैं पास होते हैं और 33 से अबव भी पास होते हैं, इसलिए मैंने इक्वल टू लिया। कॉमा, वो क्या हो जाए, वो हो जाए पास, अदरवाइज वो बच्चा क्या हो जाए, फेल। आप इन मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं, पास की जगह प्रमोट कर सकते हैं, यहाँ पर कंपार्टमेंट दे सकते हैं, जो भी आपका क्रिटीरिया रहेगा, लेकिन ये फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूले को समझ लीजिए, इक्वल टू तो लगाना ही लगाना, इफ अगर हमारा J2 में हमारा परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ 33, कॉमा, वो हो जाए बच्चा पास इन्वर्टेड कोर्स में, कॉमा, अदरवाइज वो बच्चा फेल हो जाए इन्वर्टेड कोर्स में। आप लिखेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और एंटर कर दीजिए। अब इनमें से कोई बच्चा फेल नहीं है, तो मैं एक बच्चा चलिए फेल कर लेता हूँ, सो डैट आपको पता लग जाए कि जो बच्चा है वो फेल हो गया है। ये देखिए, ये बच्चा फेल होना चाहिए, इसके 27 है मार्क्स। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे फॉर्मूले को, इसको यहाँ से पकड़िए और यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, यू कैन ऑल्सो प्रेस कंट्रोल डी। तो ये देखिए, ये जो स्टूडेंट है ये फेल हो गया, क्यों हो गया है, बिकॉज इसके जो मार्क्स हैं यहाँ पर 27 आ रहे हैं परसेंटेज। अगर मैं इसको यहाँ पर चलिए 85 कर देते हैं तो 28 हो गए, चलिए 100 कर देते हैं, 32.5 हो गए, यहाँ पर मैं चलिए 32.5 यहाँ पर 12 कर देते हैं। ये देखिए 33 वाला भी पास है। अगर मैं बाय चांस यहाँ पर 33 के सामने इक्वल टू नहीं लगाता तो यहाँ से जब मैं डबल क्लिक करके फॉर्मूला अपडेट करूँगा ये फेल हो जाएगा, लेकिन 33 वाला तो पास होता है, तो इसलिए आपने यहाँ पर इक्वल टू का यूज़ करना ही करना है। एंटर कर दीजिए और यहाँ से आप इसको जब नीचे अपडेट करेंगे तो सारे बच्चे पास हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप और फॉर्मूलाज लेना चाहें, ये तो बेसिक सा है, एवरेज निकालना चाहिए, एवरेज के बाद चलिए हम करते हैं रैंक, रैंक कैलकुलेट करते हैं कि बच्चे के रैंक कितने आए। रैंक के लिए आप क्या करेंगे, रैंक मीन्स पोजिशंस, आप सबसे पहले इक्वल टू चूज़ करेंगे, इक्वल टू तो लगाना ही लगाना है आपने कोई भी फॉर्मूले से पहले, देन रैंक लिखेंगे, फर्स्ट सेल चूज़ करेंगे, परसेंटेज का कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल तक आप डाटा चूज़ कर लेंगे, उसके बाद F4 फंक्शन की यूज़ करेंगे टू लॉक योर एंट्रीज, कॉमा लगाएंगे। अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में चाहते हैं वो आप डाटा चूज़ कर सकते हैं, डिसेंडिंग मीन्स कि आपका जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू वो आएगा, डिसेंडिंग मीन्स आपका जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो आएगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारा जीरो करेंगे तो 1 फर्स्ट पे आएगा। क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर जब मैंने इसको चूज़ किया, फर्स्ट यहाँ क्यों नहीं आया, बिकॉज इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी इसकी पोजीशन है वो आएगी। आप यहाँ से नीचे को ड्रैग कर दीजिए, जो भी उनकी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग उनको पोजीशन एलोकेट कर दी जाएंगी। इसको भी मैं चलिए बॉर्डर दे लेता हूँ पहले। अब देखिए, मुझे ये डाटा रैंक वाइज सॉर्ट करना है, कैसे करेंगे, आप सारा डाटा पहले चूज़ करिए, चूज़ करने के बाद आप जाएंगे यहाँ, हम इसमें फ़िल्टर यूज़ करेंगे, फ़िल्टर के लिए हम जाएंगे यहाँ पर डाटा में, डेटा में जाएंगे, यहाँ पर आप सॉर्ट एंड फ़िल्टर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए, सॉर्ट आपने किसके अकॉर्डिंग करना है, सॉर्ट हमने करना है उनके रैंक के अकॉर्डिंग, रैंक चूज़ कर लीजिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए, तो आप ओके कर दीजिए।
ऑटोमेटिक देखिए, ये बच्चों के सेम मार्क्स हैं इसलिए इनकी पोजीशन ये आ रही है। बाकी सौन जो भी बच्चे हैं उनकी पोजीशंस आ रही है। ऐसे आप ये फॉर्मूलाज लगाकर अपना एक्सेल शीट तैयार कर सकते हैं। इसको करके देखिए, कोई भी किसी भी तरह की अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, अदरवाइज हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल।